वेलकम फ्रेंड, यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का मुद्दा जो है उसमें जो जनरल कैटेगरी का जो कम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, इसको लेके जो है मामला दिन प्रतिदिन जो है गर्म होता नज़र आ रहा है। अभी जो है हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के एक नेता जो है उन्होंने सिपाही बहाली की जाँच CBI से कराने की मांग की है। और अगर ये जांच हो गई तो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस संबंध में हम पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। उनका कहना है कि सिपाही भर्ती की जांच जो है सिपाही वाले की जांच या तो आप जो है CBI से कराओ या फिर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और न्यायिक जाँच में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राज्य है तो यहाँ पर हाई कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस या भी अभी कोई जज के नेतृत्व में उनके अध्यक्षता में गठित जो कमेटी होती है वही जांच करती है। इस संबंध में हम बताते हैं आपको, ये होती है न्यायिक जांच। और CBI जांच में होती है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को ये पूरा का पूरा प्रक्रिया सौंपा जाता है और वो सारा मैटर CBI हैंडल करती है। उसके बाद फाइनली वहाँ पे CBI के जो रहते हैं ADG लेवल के अधिकारी जो की अध्यक्षता में टीम गठित करके उसको जांच किया जाता है। और अब इस मामले में आगे क्या होगा इस संबंध में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, और आगे क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से मुद्दा गर्म होता नज़र आ रहा है, अब जो है यहाँ जो पहले तो लड़के इस बात को उठा रहे थे, अब लड़के इस बात को जो है पार्टी ने तूल पकड़ लिया है। अभी जो हम पार्टी का कहना ये है तो आगे हो सकता है कोई और पार्टी इसमें आ जाए। मुझे जो है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उससे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, लेकिन मेरा काम है कि जो न्यूज़ में पब्लिश होता है उसको आप लोगों तक पहुंचाना, और मेरा कोई काम नहीं है चाहे न्यूज़ आपके फेवर में हो या अनफेवर में हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहता और मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इसमें डिटेल में क्या है कि सिपाही बहाली की जाँच CBI से हो। हम नेता एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र सिंह ने सिपाही बहाली की जांच CBI से कराने या न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भर्ती के परिणाम की आलोचना जो चारों ओर हो रही है, जांच होने से लोगों का भरोसा सरकार पर बना रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिपाही बहाली में गड़बड़ी की बू आ रही है। इनका कहना है कि धांधली हुआ है, इसमें बू आ रही है गड़बड़ी की। लगता है जानबूझकर योग्यता रहते हुए भी लोगों को सिपाही बनने से रोका जा रहा है। इस तरह का पक्षपात लोकतंत्र के लिए घातक है। इनका कहना है कि इस तरह का पक्षपात इसमें नहीं होना चाहिए और ये पक्षपात जो है लोकतंत्र के लिए घातक है, इसीलिए इसकी जांच जो है CBI से या फिर न्यायिक जांच से होना चाहिए, यानी हाई कोर्ट के पूर्व जज या फिर हाई कोर्ट के अभी करेंट जज की अध्यक्षता में इसकी जाँच होनी चाहिए। न्यायिक जांच तो यही होता है, और CBI जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो तो CBI को हैंडल किया जाता है, वहाँ ADG लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके अध्यक्षता में जांच की जाती है। तो फ्रेंड हमें किसी से कोई कल के कुछ वीडियो में यूट्यूब पे काफ़ी मुझे कमेंट मिल रहे थे कि आप ये कर रहे हो, आप भड़का रहे हो। मुझे भड़काने की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं क्यों किसी को भड़काऊँगा, मुझे इससे कोई फ़ायदा या जो है हानि नहीं है। मेरा काम है कि जो भी न्यूज़ पब्लिश होता है उसको अपने YouTube के चैनल के माध्यम से आप सभी तक को पहुंचा देना। मैं किसी का नहीं विरोधी हूँ और ना मैं किसी का दोस्त हूँ। तो फ्रेंड ये न्यूज़ था, मैंने आप सबों तक पहुंचा दिया। और अब इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो केंद्रीय चयन परिषद ही अपने स्पष्टीकरण में बता सकती है कि आखिर बात क्या है, क्यों जनरल के कम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। हो सकता है कि जो है जनरल के बच्चे शारीरिक परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, ऐसा भी हो सकता है रीज़न, जो कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के स्पष्टीकरण से जो है उनको केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को इस मैटर पे जो है अपना बयान पेपर में देना चाहिए, ताकि सफल अभ्यर्थी जो भी हैं वो हतोत्साहित नहीं हो, उनका ये बयान आना चाहिए। लेकिन अगर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती अभी तक चुप रहेगी और वो अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं देगी तो बार बार ये नेता लोग और ये जो असफल कैंडिडेट हैं वो भी जो इस मैटर पे जो हैं वो अपना जो है आरोप लगाते रहेंगे। तो इसमें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को अपना स्पष्टीकरण पेपर में उनके अध्यक्ष को, उनके सचिव को देना चाहिए।
और वो हमको लगता है कि वो जल्द देंगे। अगर वो अपना स्पष्टीकरण या कोई भी स्टेटमेंट उनका आता है तो भी हम आपको अपने यूट्यूब के इस चैनल पे ज़रूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड बने रहिए इस चैनल के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।